एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं जो होम रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये दादी नानी का नुस्खा है जो हमें हमेशा जब भी जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो ये रात को सोने से पहले दिया गया कि अब मुंह ढककर सो जाओ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने लिया है, इस तरह से टेबल स्पून को भरकर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, 3 टेबल स्पून बेसन है, ये 1/4 कप है, थोड़ा सा ही कम है 1/4 से, तो 3 टेबल स्पून बेसन है, 2-3 बादाम को मैंने बारीक काट लिया है, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर है और 1 कप दूध है। तो आइए शुरू करते हैं। और चीनी भी मैंने बेसन के बराबर ली है, तो आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून घी डाल लिया है पैन में, और जैसे ही ये गर्म होता है हम बेसन डालेंगे। और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैंने एक तरफ दूध रख दिया है पैन में गरम होने के लिए। आप सीधा भी डाल सकते हैं, और इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ, तब तक ये बॉईल हो जाएगा। दूध बॉईल करने से ना हलवा जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैंने दूध बॉईल करना रख दिया है। और सिम पर रख दें उसको, ध्यान रखें यहाँ भी हमको जो बेसन है वो सिम गैस पर ही सेकना है। ये देखिए, इसको अच्छे से हम गैस को सिम कर लेंगे और इसको सेकेंगे, क्योंकि नहीं तो बेसन जल जाएगा। तो यानी घी इतना होना चाहिए कि बेसन आराम से भुन जाए, इतना लिक्विडी हो। अगर आप मेजर करके नहीं भी डालते हैं तो इस तरीके से होना चाहिए। लगातार चलाएंगे ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ना रहें, और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। और ये लेना किस समय है? रात को सोते समय। इसके ऊपर हमें पानी नहीं पीना है, बस रात को सोते समय खाइए और मुंह ढककर सो जाइए, तो सुबह तक ठीक मिलता है, आराम मिलता है। तो ये रेसिपी मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। देखिए, बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, दूध डलते ही ये काफी लाइट हो जाएगा, इसलिए हम हल्का से इसको और भून रहे हैं। देखिए, अच्छे से भुन गया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें जो दूध है वो छान कर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसको आप हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। इस समय हम डालेंगे इसमें ये बादाम, कटे हुए बादाम डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर और सौंठ पाउडर डाल देंगे। और ये देखिए, हमारी जो ये रेसिपी है ये बनकर तैयार है। ये थोड़ा पतला होता है, लिक्विड होता है, ये देखिए। तो 1-2 मिनट पकने के बाद ये इस तरह का हो गया। देखिए, इतना लिक्विड हमें ये चाहिए, ना पतला, ना बहुत ज्यादा पतला और ना बहुत ज्यादा थिक। तो बन गया है ये तैयार, करते हैं प्लेटिंग। तो लग रहा है ना यम्मी, जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।